गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज रिफॉर्मेशन। व्हाट इज रिफॉर्मेशन एंड हाउ द रिफॉर्मेशन इज स्टार्टेड। एक्चुअली रिफॉर्मेशन इज अ मूवमेंट। व्हाट इज इट? इज अ मूवमेंट आफ्टर द रेनेशा रोमन कैथोलिक चर्च एंड देयर प्रिंसिपल एंड सो मेनी थिंग्स दोज आर गोइंग ऑन इन टू द अर्ली 16th सेंचुरी। मार्टिन लूथर स्टार्टेड द चेंजेस एंड द रिफॉर्मेशन इन टू द traditional thought and beliefs. He also challenged the authority of church and their pope. So the reformation is normally going on into three ways. First, reformation challenged the church, and then after church was split into two parts, namely the Roman Catholic Church and the Protestant. The reform movement was called Protestant, means those who were believe into the changes of the Catholic Church, they were known as the Protestant. The Protestant against the deviation of the Church and the Roman Catholic Church. Secondly, it had also gripped the political impact and political dimensions also. Ruler of European countries, resistant Pope interference in the political and administrative affair of the kingdoms. They wanted to be free of the Pope dominions over them. Therefore, they supported this movement. Means, जो Roman कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जो उसके पोप के अगेंस्ट रिफॉर्मेशन मूवमेंट मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था, उसमें राजाओं का, किंग का, राजशाही तंत्र का भी, रूलर का भी बहुत बड़ा योगदान था। बिकॉज द रूलर्स आल्सो वांटेड टू फ्री फ्रॉम द पोप डोमिनेशंस, क्योंकि पोप क्या करते थे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ टाइप्स दे ऑलवेज इंटरफेयर इन टू द पर्सनल मैटर ऑफ द politics, in the personal matter of the kings. So the king also wanted to support the reformation. I hope that you all are able to understand. Dear student, and third point is very important for the reformation and the changes. The reformation led by Martin Luther also produced a counter-reformation. What is counter-reformation? Some pious priest, clergymen of the Catholic churchmen started reforming rather than joining the Protestant. They was called the counter reformation. मतलब एक ऐसा सिलसिला चलने लगा मार्टिन लूथर की बात से कि बहुत सारे पोप प्रिस्ट कुछ ऐसे भी थे, they believe into the changes of the old thought, old traditions. आपको पता होगा सेल ऑफ इंडीज चर्च के नाम पर बाइबल को गलत तरह से पेश करके जो पोप थे वो क्या करते थे, लोगों का हेवन का टिकट डिवाइड करते थे, हेवन का टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिसको लोग ओल्ड बिलीफ, ओल्ड थॉट की वजह से उसको परचेज करते थे, क्योंकि दे ऑल आर बिलीव इन टू ब्लाइंड फेथ एंड दे ऑल्सो दे डिड नॉट अबाउट दैट व्हाट इज द रियल टीचिंग बिकॉज दे ऑल आर इलिटरेट। सो मार्टिन लूथर स्टार्ट द क्वेश्चनिंग अगेंस्ट द पोप एंड राइट अ बुक नोन एज अ 95 थीसिस। सो दिस इज द थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। दोज आर फर्स्टली इम्पैक्ट on the church, then after political, and after that counter reformation. So if you see that, what is the meaning of reform, the question is asked that what is the meaning of reformation, the normally the answer is the Protestant movement against the deviations in the Catholic Church led by Martin Luther's European kings who resented Pope's interference in their status. This movement is known as the रिफॉर्मेशंस। एक्चुअली मार्टिन लूथर कहाँ का था, जर्मनी का था, एक थियोलॉजिस्ट भी था। इसने 95 कंप्लेंट्स या थीसिस कह सकते हैं कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट लिखा। सून पीपल ऑल ओवर यूरोप वर्ल्ड डिस्कसिंग दीज आइडियाज, क्योंकि मार्टिन लूथर का जो आइडियाज था, जो 95 थीसिस था, इस पर यूरोप की लोगों की नज़र पड़ी और उस पर डिस्कशन होने लगा, तमाम तरह के आइडियाज आने लगे और लोग मार्टिन लूथर को सपोर्ट करने लगे और उसी के बाद से चेंजेज स्टार्ट हुए। पोप और पोप के द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल में, चर्च में बहुत सारे रिलीजियस चेंजेस हुए, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ओके, लेट अस सी व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेनी टाइम द क्वेश्चन इज आस्क व्हाट इज द कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप दैट यू ऑल आर फैमिलियर विद द वर्ड रेनेशा। द फर्स्ट कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन वॉज रेनेशा। रेनेशा क्यों था, क्योंकि आफ्टर द रेनेशा द पीपल्स आर अवेयर, दे बिलीव ऑन द साइंटिफिक लाइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज। So, after the Renaissance, the Bible translated into local language and it is easily and cheaper distributed among the citizens. When the peoples are teach and see that what is given by Lord Christ, then they aware what is
distortions in Christianity. So the learned man raised a strong voice against what they regarded as abuse of power in the church. रेनेसा ने क्या दिया? रेनेसा ने इन लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया. क्यों? क्योंकि इंसान रेनेसा के बाद से क्या स्टार्ट किया? इंक्वायरी करना शुरू कर दिया, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया. और इंक्वायरी क्वेश्चनिंग जैसे जैसे करता गया उसका नॉलेज बढ़ता चला गया और साइंटिफिक थॉट पर बिलीव करने लगा. सम पीपल्स नाउ बिगिन टू क्वेश्चन द सुपरमेसी ऑफ द पोप. बहुत सारे लोग उसमें थे जो पहले एडिटेड थे, इलिटरेट होने के बाद जब वो किताबों पढ़ना जान गए, पेपर अवेलेबल हो गया, तो उन लोगों ने पोप की अथॉरिटी को चैलेंज किया और उनसे क्वेश्चनिंग किया और बाइबल को ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में जब लोगों के लिए पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि पेपर भी अवेलेबल हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस का खोज हो चुका था, तो लोगों ने पढ़ा कि वास्तव में जो रियल टीचिंग है बाइबल की, वो पोप और उसके प्रिस्ट या उसके क्लैजीमैन हमको नहीं बताते हैं. वो हमारे ऊपर तरह तरह के रिचुअल सेक्रीफाइसेस कराकर हमसे वो धन लेते हैं. ये सभी का सभी गलत है. लोगों ने पोप और उसकी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, जो पीछे वो लोग खिलवाड़ खेल रहे थे उसके अगेंस्ट लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाना शुरू किया. सो द फर्स्ट रीजन इज दैट रिफॉर्मेशन. व्हाट वाज द कॉजेज? रेनेसा. एंड देन आफ्टर सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्ट एटीट्यूड. ओके, द डॉन ऑफ द सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्ट एटीट्यूड इन द ईज ऑफ रेनेसा ब्रॉट अबाउट टू सिग्निफिकेंट चेंजेस. यस, लोगों की सोच अब धर्म के परे या धर्म से आगे हो गई, सेक्युलरिज्म होने लगा. कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए. द सेक्युलर वर्ल्डली अफेयर गेन द प्रोमिशंस ओवर द थियोलॉजिकल एंड हेवनली कंसर्न एंड मैन बिकम द मेजर्स ऑफ ऑल कंसिडरेशन. मैंस लाइफ इज नेचर हिज बेटरटेनमेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन इन फ्यूचर लाइफ. मीन्स इंसान ने इंसान की वैल्यू समझी कि जो कुछ भी बना है, जो प्रेजेंट है, ये सभी इंसान के लिए है. जो प्रेजेंट में है पहले हम उसे सही करें, फिर हम फ्यूचर की चिंता करें. लेकिन चर्च पोप और उसकी क्रिश्चियनिटी में जो टीचिंग देते थे वो फ्यूचर को लेकर लोगों को टीच करते थे और उन्हें कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते थे, अंधविश्वास पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते थे. सो दिस सेक्युलर एंड ह्यूमनिटिस्ट एटीट्यूड आल्सो ब्रॉड द वे फॉर द रिफॉर्मेशन. आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिविजन इन द चर्च. आफ्टर द अर्ली मिडिल एजेस द पोप एंड द चर्चमैन लेड द पायस एंड सिंपल लाइफ. दे अर्न पीपल्स रिस्पेक्ट. But as the time passed, some degree of negligence and decay occurred. Some priest officers of the church secured high position in the church. Gradually with the time, the authority of the Pope, the supremacy of the Pope is continuing increases day by day. But according to the Bible, according to the function and work of the church, they led the simple life before that, means after, before the Renaissance. Lekin jaise jaise पोप की पोजीशन, इनकम बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी लाइफ भी चेंज होती चली गई. वो लग्जरियस लाइफ जीने लगे. जो उनके रियल टीचिंग देने का काम था, सिंपल लाइफ में रहने का काम था, वो धीरे धीरे भूलते चले गए. और जिसका नतीजा क्या हुआ? द चीफ ऑफ द चर्च दोज आर नोन एज अ पोप इन एवरी स्टेट वाज टू पे द फर्स्ट ईयर टोटल इनकम टू द पोप एज एनेंट एंड द फर्स्ट फ्रूट. सम ऑफिशियल सोल्ड वेरियस टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ पैटर्न नोन एज इंटेलिजेंसेस. कुछ पोप तो ऐसे थे, खास करके इटली में, इटली के जो पोप थे और कुछ रोम एम्पायर के, जो हेवन का टिकट देने लगे कि आप चोरी करके आओ, पाप करके आओ, मैं आपको इंटेलिजेंसियस एक पेपर दे रहा हूं, इसको आप परचेस कर लेंगे और रख लेंगे, सारे पाप आपके खत्म हो जाएंगे. ओके, सो द Pope and their authority, they all are misuse their power and position and they all are corrupted. When the people were aware, they started immediately change into the church and the authority of the Pope. So they support to the Reformation. And then the fifth point, the immediate causes. Sale of indulgences in Wittenberg by Thesels, who was an agent of Pope Julius II. These certificates of the patents, apradhi ko kya diya jata tha? Ek indulgences diya jata tha. Jo apradhi kharidne ke baad apradh se mukt ho jata tha. Isko kisne challenge kiya? Martin Luther ne. Through his 95 theses.
Martin Luther pasted the paper on the different walls of the church and asked the church and their pope, if you write your teaching is right, so give me answer of different questions. But no one, any popes, accept the challenge of Martin Luther. And finally, Martin Luther started the Reformation in Europe. Through the 95 theses, Luther challenged the Pope and wanted to completely openly debate with him. Luther ने challenge किया, अगर आप मेरे question का answer नहीं देते हो तो आप मुझसे debate करो, discussion करो. अगर आप मेरे question का answer दे देते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ आप सही हैं. ऐसी जब स्थिति हुई तो कई सारे पोप अपने को किनारे करने लगे, अपनी चर्च की जो लग्जीरियस लाइफ थी उससे वो किनारे करने लगे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलग पाने लगे. और इसका फ़ायदा कॉमन पीपल ने उठाया. लोगों ने जर्मनी, स्पेशली जर्मनी और इसके बाद इटली, रोम, यहाँ पर पोप और उसकी अथॉरिटी के अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट, स्ट्राइक और चेंजेस के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस चर्च में स्टार्ट हुए. तो पहली चीज़ तो ये आती है, आफ्टर द रिफॉर्मेशन व्हाट वाज द चेंजेस इनटू द रिलीजन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशंस ऑन यूरोप. रिफॉर्मेशन क्रिएटेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन यूरोप एज नोटेड बिलो. सी दैट रिलीजियस लाइफ, व्हाट वाज द चेंज इनटू द रिलीजन. इट इज नोन एज द काउंटर रिफॉर्मेशंस. जो रिलीजन में चेंज हुआ उसे हम बोलते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन. आफ्टर द रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिस्टोर द रिपुटेशन ऑफ द कैथोलिक चर्च, सम पियर्स एंड डेडिकेटेड क्रिश्चियंस इंक्लूडिंग सम पोप्स अडॉप्ट सर्टन रिफॉर्म्स इन द चर्च. दिस केम टू बी नोन एज काउंटर रिफॉर्मेशन. पूरे यूरोप में इसके धर्म के ऊपर रिफॉर्मेशन का बहुत गहरा असर पड़ा. बहुत सारे पोप्स और बहुत सारे डेडिकेटेड पर्सन्स चर्च और उसकी अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के मूड बनाना शुरू कर दिए और यही चेंजेस क्या कहलाने लगा, काउंटर रिफॉर्मेशन. क्या क्या चेंजेस हुआ रिलीजन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेल ऑफ इंडलिजेंसेस वॉज स्टॉप्ड. द सेल ऑफ इंडलिजेंसेस वॉज स्टॉप्ड. अब किसी भी अपराधी को, किसी भी क्रिमिनल को जो पेपर इंडलिजेंस का सेल होता था उसको पूरी तरह से स्टॉप कर दिया गया कि ऐसा कोई भी पेपर पोप या क्रिश्चियन किसी भी चर्च से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. सेकंड, चर्च ऑफिसर वर टू बी अपॉइंटेड ऑन मेरिट. नाउ द ऑफिसर्स ऑफ द चर्च अपॉइंटेड देयर मेरिट. थर्ड पॉइंट, सेमिनार्स टू एडुकेट एंड ट्रेन द प्रिस्ट वर स्टार्टेड. सेमिनार के थ्रू जो एजुकेटेड पर्सन थे उनको ट्रेनिंग देकर एज ए प्रिस्ट अपॉइंट किया जाना शुरू किया गया. मेरिट के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया जाना शुरू किया. नो फीस वर टू बी चार्ज फॉर रिलीजियस सर्विस. चर्च अब किसी भी तरह का कोई भी फीस रिलीजियस सर्विस के लिए नहीं लगा सकता है. सेरेमनीज वर टू बी गिवन इन लीगल एंड लोकल लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल. अब जो भी सेरेमनीज होंगी, जो भी प्रवचन होंगे, जो भी कथाएँ होंगी, जो भी टीचिंग होगा वो लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा. पहले ऐसा नहीं था. ओके, सो दीज ऑल आर द मेजर चेंजेस इन टू द रिलीजन्स. After that, the unity of the Christian split. इसके बाद से जब changes शुरू हुआ तो जो old belief के थे, जो old लोग थे, जो church और उसकी authority को broke नहीं करना चाहते थे उनके बीच में, और जो लोग changes में believe करना चाहते थे, सुधार में believe करना चाहते थे, उनके बीच में दो group हो गया जिसको हम बोलते हैं Catholic and Protestant group. The church and the follower of the church divided into two group known as the Catholic and the Protestant. National churches, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन चर्च वर इस्टेब्लिश यूरोप में, और बहुत सारे कंट्रीज में नेशनल चर्चेज इस्टेब्लिश होने लगी. दे ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ द पोप. ईच एंड एवरी वन गो एंड इंजॉय एंड डू देयर वर्शिप विद द अगेंस्ट ऑफ द गॉड. किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन अब नहीं होगा. एंड नाउ दे हैड देयर ओन सेक्रीमेंट्स एंड प्रिंसिपल, जिसकी अपनी एक अलग प्रिंसिपल और मान्यताएं होती थी जो नए चर्च इस्टेब्लिश किए गए. द सुपरमेसी ऑफ द पोप गेव वे टू द सुपरमेसी ऑफ द बाइबल. जा चुका पहले सुपरमेसी प्रभुत्व जो पोप का था वो अब खत्म हो चुका. अब लोगों का प्रभुत्व और लोगों का विश्वास, लोगों का बिलीव बाइबल के और उसके टीचिंग पर बन गया.
So after the Reformation, in Christianity divided into two groups, Protestant and Catholic, and the old belief and thought changes. Now, political impact. What was the political impact of the Christianity? This is also very important. Long wars amongst European nations started. After the changes, both Roman Catholic and Protestant became exclusive enthusiastic about their ideas. So the result in long and bloody religious war started. King Philip II of Spain sent his invincible Spanish armed in 1588 to be England and end the Protestant there, but he was defeated. Then he tried to suppress the Protestant movement in his own dominion of the Netherlands and declare war against it. But the Treaty of Westphalia in 1648 AD resulted in acknowledging the independence of Holland. Means the 30 years war and many other holy war started between Roman Empire and the Protestant, Roman and the Roman Catholics and the Protestant continue. The war is started in Europe. Many of the European country like that England, France, Spain, Netherlands, they all are involved into war. And finally, so many new and newly independent nations also appear. Roman Empire, the main objective of which was to force the Protestant state of Europe to become Catholic. Once again, this war resulted in the killing of thousands of both the side and ended with the Treaty of Westphalia in 1648 AD. Some Protestant left for USA. So first of all, the political impact continued. 30 years war going on, many European nations for the supremacy of the Protestant and the Catholic. Civil war also started. Both Reformation and Counter-Reformation movement became violent and aggressive. सिविल वॉर लाइक सिचुएशन घर देश के अंदर ही वॉर होने लगा रिफॉर्मेशन की वजह से. वायलेंट एग्रेसिव रिजल्टिंग इज ब्लडी सिविल वॉर एमंग्स द पीपल स्पेशली इन फ्रांस जर्मनी एंड इटली. दे ऑल आर एंगेज हिमसेल्फ इन टू द सिविल वॉर सपोर्टिंग द टू सेक्ट्स बिकॉज समवन बिलीव इन टू द प्रोटेस्टेंट एंड समवन बिलीव इन टू द कैथोलिक. दिस सिविल वॉर ब्रॉट लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड ऑब्स्ट्रक्टेड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. इस सिविल वॉर ने जो कि फ्रांस में जर्मनी में इटली में स्टार्ट हुआ, इसने शांति सुरक्षा इन सब चीज़ों को ख़त्म किया. लॉस ऑफ लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. देन आफ्टर राइज ऑफ नेशनल मोनार्चीज रिफॉर्मेशन कॉल नेशनल मोनार्चीज टू बी राइज. दोज रूलर हु डिसप्रूव्ड द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द पोप सपोर्टेड देयर ओन इंडिपेंडेंस. जो राजा जो रूलर थे जो चर्च के इंटरफेयर को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करते चले गए. द रिफॉर्मेशन प्रोवाइडेड देम विथ अ चांस टू बिकम फ्री ऑफ द पोप. रिफॉर्मेशन ने राजाओं को हक में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया कि अब राजा या रूलर इंडिपेंडेंट हो गए. उनके ऊपर पोप का कोई भी बाउंडेशन नहीं था. इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट चर्चेस कम टू बी इस्टेब्लिश इन दीज कंट्रीज. बहुत सारे देशों में इंडिपेंडेंट चर्चेज इस्टेब्लिश की गई, वहाँ के राजाओं ने कराया. किंग हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड गॉट कंट्रोल ओवर द चर्च लैंड एंड प्रॉपर्टी. हेनरी 8 जो इंग्लैंड का राजा था उसने चर्च की प्रॉपर्टी और चर्च की जमीन को कंट्रोल किया. एक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मोनार्चीज एक कानून पास करके सारी चर्च की प्रॉपर्टी और लैंड को जब्त किया. ही मैरिड कैथरीन ऑफ Aragon, his brother Swedo, against the wishes of the Pope. So these all are the changes into the national monarchies. Formation of USA is also established after the Reformation. America ka naam change hokar kya ho gaya? United States of America. And now USA started the idea of the national states and a welfare state. So dear students, then after social impact, individualism is more important than any other things. Individual is more important than any other thing. Man's life, his physical and spiritual needs, his problems and their solution come within the focus of the consideration of authorities. Means reformation ne life mein bhi bahut sare logon ke jeevan mein bhi bahut sare changes la diye. Insaan ko mahatva diya jane laga. Man's life is very important than any other things. Intellectualism, reformation ne intellectualism ko start kiya. जिसका रिजल्ट क्या हुआ?
intellectual activities start with the right of man, liberty, equality and fraternity begin to states as a result of it. Reformation ने liberty, equality और fraternity को establish किया, democracy को establish किया, republicanism को, welfareism को, separations of power को, responsible government को लाया. Means so many changes into the social life of the common people. Rational outlook. Under the impact of the reformation, the people become more rational in their outlook. This is very important. Blind faith, fatalism gave place to reason and scientific understanding. The people were believed on the scientific understanding of the things around. They enabled the Christian European think, argue freely and accept anything only if it appeared to their regions. So these all are the important impact on the social life. Economic impact. After the reformation, the economical balance is also developed. Each and every nation, the main goal was that to increase the welfare of the common people. So the government run according to the maximized welfare of the common people. So economic impact of also most of the important economic rationale for the mercantilism were to establish the colonies outside of Europe. The growth of European commerce and industry relative of the agriculture increases the volume of breadth of trade and increase in the use of metallic monetary system. So gold and silver related to the better transactions, economic relations, trade activities, बैलेंस एक्टिविटीज और कई सारे सुधार भी हुए इकोनॉमिकल फील्ड में. एक देश दूसरे देश से ट्रेड करने लगा, कॉमर्स करने लगा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटल इनकम बढ़ने लगी, डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ने लगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ने लगा. सो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ा. मेजर इम्पैक्ट ऑफ मर्चेंटलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द फेडरल इकोनॉमिक सिस्टम गेव वे टू न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर. वेगोरियस ट्रेड एंड कॉमर्स, मनी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्कर guilds and bank develop in Europe. So many banks established, new emerging business and industry started. So the reformation also great and give the great way for the development of trade and economics in different parts of the world. State finance commission established in many of the different countries. Technique research develop, finance develop, defense of the country now increases. So reformation provided good incentive of for economic development, and reformation also brought the colonialism. Many of the European countries started to develop the colony into the different nations, like that England, France, Spain, Portugal and Holland became colonial power in the world. They acquired colonial possession in the many parts of the world. They set up their trading companies like England East India Company, British East India Company, you know very well, to trade with other countries. Through trade and introduces, they set up their empire in Asia and Africa. So colonialism is also developed after the reformation. Many European countries developed the trade and also controlled the many Asian and African countries. Christian missions went to abroad, the spread of this faith, Protestant or Catholic. Thus reformation indirectly encouraged colonialism. It also led to the dawn of modern age in due course of टाइम. और जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉलोनिज्म के थ्रू हम मॉडर्न एज की तरफ बढ़ते चले गए. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वन टाइम अगेन वॉच द वीडियो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज आल्सो कमिंग इन योर थर्ड टर्म एग्जामिनेशंस. इंपैक्ट पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आल्सो व्हाट वाज द रोल ऑफ द मार्टिन लूथर. सो प्लीज वन टाइम वॉच द वीडियो एंड आफ्टर दैट कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.